हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल 2023 से रिलेटेड बातें करेंगे। 2400-2800 ग्रेड पे की वैकेंसी जो कि 31 मई तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, उसकी बात हम लोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीजीएल 2023 टारगेट कर रहे हैं, 2023 टारगेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में आपको बता दिया था कि ग्रेड पे वाइज कितनी वैकेंसी है बच्चे, तो हम लोगों ने यहाँ तक बातें कर ली थी कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ कितनी है। 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी जो 303 है, और 2400 की जो 3621 वैकेंसी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि 1 जून तक कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। सीजीएल 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए, 2800 ग्रेड पे में बच्चे कैग में दोनों है, एक ऑडिटर और दूसरा जूनियर अकाउंटेंट, जिसमें कैग में ऑडिटर की जो वैकेंसी है 153 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें यूआर कैटेगरी की 63, ओबीसी कैटेगरी की 41, ईडब्ल्यूएस की 15, एससी 23 और एसटी 11 वैकेंसी, ठीक है। ऐसे ही जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो 150 है, जिसमें 60 जो वैकेंसी है वो आपकी यूआर कैटेगरी की, 40 आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी ओबीसी की है, 15 ईडब्ल्यूएस, 23 एससी और 12 एसटी की। तो इससे कुल मिला के 150 वैकेंसी है। साथ ही टोटल अगर मैं बात करूँ 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी 303, ठीक है। अब 2800 के ही ग्रेड पे में आती है आपके बच्चे पीएसए की वैकेंसी, ठीक है। वो अभी तक कई सारे जगहों पर रिपोर्ट नहीं की गई है, हो सकता है कल के दिन रिपोर्ट की जाए। तो जैसे ही रिपोर्ट की जाएगी मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही है कि आपका भी पीएससी की वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। कुछ जगहों पर रिपोर्ट हुई थी जो मैंने आपको बता दिया था, अभी नहीं हुए तो मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अब 2400 ग्रेड पे की नौकरी की बात करते हैं बच्चे। 2400 ग्रेड पे में कौन कौन सी आती है, तो वैकेंसी की बात करूँ इनकम टैक्स में बच्चे आती है टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी। इस बार इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो 587 है। यूआर कैटेगरी की 63, ओबीसी 41, 15 ईडब्ल्यूएस, एससी 23 और 11 आपकी किसकी है, ये शायद गलत डाटा हो गया है, ये डाटा गलत है, ऊपर वाला ही गलत डाटा जो है वो यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है, ये दोनों ही डाटा गलत है, ठीक है। आप ये समझिए कि यूआर कैटेगरी में जो टैक्सेस इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी वो 587 है। एक्साइज में जो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी वो 500 है। और देखो यहाँ पे पीएससी की वैकेंसी जो मैंने कहा था 2800 ग्रेड पे, ये यहाँ पे आप यहाँ पे बच्चे जितने भी हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी है पीएससी की वो 2500 तक रिपोर्ट हो चुकी है। मैंने कहा था कि जितनी रिपोर्ट हुई वो मैंने आपको बता दिया। तो 2500 वैकेंसी पोस्ट ऑफिस में पीएससी की वैकेंसी हो चुकी है रिपोर्ट। अच्छा खासा नंबर है, तो आपको यहाँ पे जो कि वैकेंसी बढ़ रहा है, तो वैकेंसी बढ़ने के बाद आपकी अपनी तैयारी जो है अपनी रहनी चाहिए बच्चों, ताकि बढ़ती हुई वैकेंसी में आप अपने जो एम है एक पोस्ट पाने का वो पा सकें आप यहाँ पे। तो पीएससी की 2500 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो सीजल 2023 में जून वाइज कौन कौन से जोन में कितनी है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोलकाता जोन में अगर मैं बात करूँ तो 105 वैकेंसी है टोटल, जिसमें आपकी 48 यूआर कैटेगरी की, 51 ईडब्ल्यूएस की, सॉरी ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस 1, एससी 3 और एसटी 2। साथ ही अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 8 केवल वैकेंसी टोटल है, जिसमें 6 यूआर कैटेगरी की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 एससी की वैकेंसी आपके यहाँ पे है, ठीक है। टोटल कितने हैं आपके बच्चे, टोटल है 8। भुवनेश्वर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 19 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 7 यूआर कैटेगरी की, 7 6 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है 1, 3 एससी और 2 एसटी की। सबसे अधिक वैकेंसी अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पे आपको यहीं दिख रही है कोलकाता में 105, उसके बाद है चेन्नई में 67 वैकेंसी है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रही है 20 वैकेंसी यूआर कैटेगरी की, 13 वैकेंसी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 18, 8 एससी और 8 एसटी की। 17 वैकेंसी आपकी कोलकाता में है, 66 वैकेंसी आपकी वडोदरा में है, हैदराबाद में 33 वैकेंसी और बेंगलुरु में यहाँ पे आर है, बेंगलुरु में बचे ये 46 वैकेंसी, ठीक है। जिसमें आपकी 22 और 13 दो, साथ ही यहाँ पे 00।
दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो 51 वैकेंसी आपकी अभी तक है रिपोर्ट की गई है टैक्स असिस्टेंट की, जिसमें बच्चे 17 आपकी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में है, 11 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस, 6 आपके एससी और 3 एसटी में। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बच्चे टोटल, तो टोटल आपके यहाँ पे 402 वैकेंसी है, जिसमें 177 ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी, ओबीसी की 113 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 39 है, ये यूआर कैटेगरी की 177 है, एससी 45 है, और 28 है जो है एसटी के। ये आपकी टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि आपकी जोन वाइज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी मैंने आपको दिखा दी, 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी दिखा दी, पीएसए की वैकेंसी दिखा दी, तो इस बार अच्छा नंबर देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में वैकेंसी और इंक्रीज हो, तो सभी प्यारे विद्यार्थी आप लोग जुड़े रहिए और अपनी तैयारी एक अलग लेवल पे करते रहिए, एक बेहतरीन लेवल पे करते रहिए। आपके लेवल को सुधारने के लिए आप अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से इस बार 2022 में हमारे स्टूडेंट ने परचम लहराया पूरे देश में, एक अच्छा खासा सिलेक्शन जो है वो यहाँ से हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे सीएसएल की तैयारी अगर कर रहे हैं फिर भी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर सकते हैं आप 1 जून से बैच जो स्टार्ट हुई है। साथ ही जो टारगेटेड बैच सीपीओएसआई का है 2023 का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल 2023 के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं बहुत कम समय, मतलब क्विक रिवीजन कर सकते हैं, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड आप यूज़ करिएगा जब भी आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के रिविज़न के को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी अपनी तैयारी करते रहें, एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ एक अलग तरीके से तैयारी करते रहें, ताकि आप भीड़ में अलग हो जाएं। ठीक है, और आप अपना सिलेक्शन पाएं, इस बार अपने माता पिता का सपना पूरा करें। इसी के साथ मैं आप अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, वैकेंसी डिटेल आप देख लीजिएगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।